बॉलीवुड के मोस्ट एडोरेबल कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं। शादी के बाद रणबीर और आलिया दोनों अब अपने बेबी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आलिया ने जिस दिन से अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की है, तब से हर दिन उनकी प्रेगनेंसी और बेबी को लेकर नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक खबर आपको भी हैरान करने वाली है, या यूं कह लीजिए कि अगर आप आलिया रणबीर के फैन हैं, तो आपकी खुशी दोगुनी हो सकती है। दरअसल खबरें हैं कि आलिया भट्ट जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस पर रणबीर कपूर ने भी रिएक्ट किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया के जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली खबरों का कारण रणबीर कपूर ही हैं? दरअसल एक फिल्म के प्रमोशन के वक्त रणबीर कपूर को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहा गया था। इस दौरान रणबीर से 3 स्टेटमेंट देने को कहा गया था, जिनमें से 2 सच होंगी और 1 झूठ। लेकिन रणबीर को ये रिवील नहीं करना था कि सच कौन सी है और झूठ कौन सी है। रणबीर ने 3 स्टेटमेंट देते हुए कहा था, मेरे ट्विंस बेबी होने वाले हैं, मैं एक बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म का हिस्सा बनूंगा, मैं काम से एक लॉन्ग ब्रेक ले रहा हूँ। रणबीर का ये वीडियो वायरल होते ही कई लोगों ने रणबीर के ट्विंस बेबी होने वाली बात को सच मान लिया और फिर आलिया भट्ट के जुड़वा बच्चे एक्सपेक्ट करने की खबरें आग की तरह वायरल हो गईं। हालांकि अब रणबीर ने शमशेरा के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट के ट्विंस बच्चे एक्सपेक्ट करने के बारे में कंट्रोवर्सी क्रिएट न करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने आलिया भट्ट के जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली बात से इनकार भी नहीं किया है, लिहाजा कयास तो लगाए जाते रहेंगे। तो आप आलिया भट्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, एक बेबी या फिर जुड़वा? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।